वर्ड तो फिक्स है पर स्टॉक भिन्न भिन्न है सभी लोगों का। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छा टाइपिंग करने के बाद भी वो डाउट में है कि उनका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या BRCC फुल्ली सही वाले लोगों को लेगा कि नहीं लेगा। इस पे जो एक डिस्कस है जिसपे मैं एक बात कर रहा हूँ और मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये है आपका एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइंस है, मैं उसके हिसाब से आपको अभी ये दिखा रहा हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो भी टाइपिंग टेस्ट होता है उनका होता है कि भाई आपको 1750 स्टॉक दिया जाता है। अगर उनको जो भी टाइपिंग टेस्ट मिलता है उसमें वो 1750 स्टॉक पे स्पीड बनाते हैं और वहाँ पे 7% to 10% का एरर रिलैक्सेशन होता है। और ये टाइपिंग का रूल है कि आपको वन वर्ड में 5 स्टॉक होते हैं जिसके हिसाब से सेंट्रल SSC चलता है। तो क्या अपना BRCC जो है वो सेंट्रल SSC से भी ऊपर है? अगर इनका क्या डाउट है स्टूडेंट का, कैसा ये है, क्योंकि इन्होंने जो भी टाइपिंग टेस्ट दिया है उनका इंग्लिश टाइपिंग में इन्होंने 350 वर्ड दिया और हिंदी में 300। इंग्लिश टाइपिंग में 1840 स्टॉक से 2240 स्टॉक तक उन्होंने दिया है टेस्ट का पैसेज, हिंदी में 1431 से 1440 था। तो अगर स्टॉक के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो सेंट्रल SSC करता है वो 1750 स्टॉक जो भी लड़का मारा है तो उनका क्या है इरर रिलैक्सेशन, अगर वो इरर 24 भी किए हैं तो उनका सिलेक्शन होगा अगर BRCC सेंट्रल SSC का रूल अपनाता है। तो हिंदी में भी वही है कि अगर उन्होंने जो स्टॉक दिया है उसमें अगर हम लोग अप्रोक्स 7% का ही करते हैं तो लगभग 20 इरर का हिंदी में भी रिपीट मिलेगा। पर ये रूल तभी लागू होगा जब BRCC स्टॉक के हिसाब से काम करेगा। अगर ये स्टॉक के हिसाब से काम नहीं करता तो ये वर्ड पे जाएगा। तो वर्ड का जो रूल है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी BRCC में ईयर में स्टोनो का टाइपिंग टेस्ट हुआ है। स्टोनो के टाइपिंग टेस्ट में BRCC जो है ना इंग्लिश में 10% का रिबेट किया है और हिंदी में 5% का, पर ये रिबेट उन्हें मिला है जिन्होंने 350 वर्ड कंप्लीट किया है, स्टॉक उनका पूरा हुआ हो। भले उनसे कुछ गलतियां हो गई हो पर उसमें BRCC ने स्टोनो वाले एग्जाम में 10% का रिलैक्सेशन दिया था। अगर 10% का रिलैक्सेशन होता है तो 35 के अप्रॉक्स आपका इरर माफ होगा अगर आपने फुल टोटल वर्ड टाइप किया है। तो जिनका टोटल वर्ड टाइप किया, मान लिया कि 10 जगह डी लिख दिए या 2 लिख दिए, तो वो आपका क्या है कि टोटल वर्ड टच हुआ। टोटल वर्ड अगर आपने टच किया है तो आपको 35 वर्ड का रिलैक्सेशन मिलेगा, 35 इरर का रिलैक्सेशन मिलेगा BRCC के टाइपिंग टेस्ट में। अगर आपने हिंदी में 1431 से 1440 स्टॉक का टाइप किया है और 300 वर्ड जो BRCC बोल रहा है तो 300 वर्ड में अगर 5% का हम लोग बात करते हैं तो वहां पे 15 इरर को माफ करेगा अगर आपने वर्ड को पूरा किया है। जिनका भी टाइपिंग में वर्ड पूरा हुआ है उन लोग को बहुत अच्छा चांस बन रहा है अगर वो BRCC स्टेनोग्राफर वाला जो टेस्ट हुआ था उसके हिसाब से काम करता है तो अप्रोक्स 5 to 10% लड़के पास होंगे। तो 5 to 10% अगर लड़के पास होते हैं तब भी BRCC को बहुत कम लड़का मिलेगा। और अगर सेंट्रल SSC किसी हिसाब से ये अगर करते हैं तो लगभग 14 से 15 हजार लड़का टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करेगा जो कि एज ए रिक्वायरमेंट चाहिए भी, क्योंकि टाइपिंग के बाद फिर उनका मेरिट बनेगा, मेरिट में भी बहुत सारे लड़के छटेंगे। तो मेरे हिसाब से BRCC को सेंट्रल SSC का रूल पालन करना चाहिए और इसने पालन भी किया है इंग्लिश में 35 और 30 मांगकर। इसलिए अगर BRCC सेंट्रल SSC रूल को पालन करेगा तो 1750 स्टॉक से जो भी ऊपर मारे हैं उनका सिलेक्शन होगा अगर उनका इरर 25 24 से कम हो, 24 से ज्यादा होगा तो उनका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए दो तरीका है जो आपको मैंने अभी दिखा दिया, एक है और जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो मेरे पास नहीं आ पा रहा है, पर मैं आपको TCS का रूल है दो तरीका का।
TCS ने दो रूल दिया है, एक रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग का TCS ने दो रूल दिया है, एक रूल है जिसमें कि वर्ड पे वो कैलकुलेशन करता है और एक रूल है जिसमें कि वो की स्टॉप पे काम करता है। अब बिहार सी क्या मांगता है इसके ऊपर डिसाइड होगा, क्योंकि TCS ने अपने इंस्ट्रक्शन में क्लियर किया कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड बोथ द बिलो मेंशन फॉर्मूला, कि TCS जो है दो फॉर्मूला यूज करता है, एक वर्ड के आधार पर एक स्टॉक के आधार पर। स्टॉक वाला जो है सेंट्रल से सी में चलता है और ये वर्ड वाला बोल रहा है कि मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। अगर बिहार से सी ने इन दोनों रूल से अगर मांगता है तो हो सकता है कि आप लोग का बहुत अच्छा काम हो जाए, इसलिए हम लोग को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इसको इस ढंग से काम करना होगा कि अगर बिहार से सी का टाइपिंग टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा लड़कों सबको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला दोनों है, TCS दोनों फॉर्मूला पे रिजल्ट बना के देगा। अब बिहार से सी के ऊपर है कि वो किसको एक्सेप्ट करता है आप इसको छोड़ता है, ठीक है। और बस यही है कि आप लोग सब रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट का वेट करके अगर जैसी रिजल्ट बनाता है तो आपको क्या कि इसमें अपना पूरा ग्रुपिंग बना करके बिहार एस एस सी से बात करना होगा, जाकर मिलना पड़ेगा कि सर जैसे सेंट्रल एस एस सी में ईयर कैलकुलेशन को किया जाता है 1750 स्टॉक पर, वैसे यहाँ भी किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो नर्वसनेस, जिनको कि कीबोर्ड का प्रॉब्लम था, नेटवर्क का इशू आ रहा था, स्क्रीन ब्लैंक हो जा रहा था, स्क्रीन रेड हो जा रहा था, वो सब समस्याएं आ रही थी। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए बिहार से सी से आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर बहुत सारी समस्याएं हुए हैं, हम लोगों ने 1750 स्टॉक का टाइपिंग किया, हम लोग को भी रिजल्ट में सबमिट किया जाए एज पर SSC के रूल के हिसाब से। TCS में दोनों रूल है, वो रिजल्ट दोनों प्रकार से बना सकता है, वर्ड के हिसाब से भी बना सकता है और कैरेक्टर के हिसाब से बना सकता है। अब है कि ये स्टूडेंट का अपना ग्रुपिंग का काम है, स्टूडेंट अगर ग्रुप अच्छा बना करके इस पे अपना फाइट करते हैं तो हो सकता है कि उनका काम बन जाए, अदरवाइज अगर आप लोग एक नहीं रहेंगे तो फिर बिहार एसएससी ये एज पर वर्ड वाला एरर रिलैक्सेशन का काम करेगा और वो रिजल्ट निकाल देगा, जिसमें कि बहुत कम लोगों का ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान देना है, अगर वर्ड पे करेगा तो मात्र 5-10% ही लड़के पास कर पाएंगे और अगर स्टॉक पे करता है तो अप्रोक्स 30-40% लड़के पास हो जाएंगे टाइपिंग में और आगे मेरिट पे काम फिर होगा। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि बिहार से सी जो है स्टॉक पे काम करे और स्टॉक पे रिजल्ट दे। बस बहुत बहुत धन्यवाद।